If x is equal to a, cos 10, 1 plus 2 log, sin square t by 2. Y is equal to a sin t, find d by dx of y. तो देखिए ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर. तो x का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकालें तो d / dt ऑफ x इज इक्वल टू a cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, ये जगह t / dt cos t प्लस 1 / 2 d / dt log tan square t by 2. ठीक है, और ये d by dt of cos t कितना होगा, d by dt of cos t minus sin t plus 1 by 2 divide du, इस चीज को u मान लेते हैं, तो log of u बनेगा du by dx बनेगा. इसमें u इक्वल टू हमने क्या लिया, u इक्वल टू लिया मैंने tan स्क्वायर t / 2. ठीक है, तो माइनस a है माइनस sin t और प्लस 1 / 2 log u का डिफरेंशिएशन d / du ऑफ log u, log का डिफरेंशिएशन 1 / u होता है, फिर d / dx ऑफ u, u पर क्या है d / dt, d / dt d / dt ऑफ u tan स्क्वायर t / 2. अब इसे हम लेगा माइनस यू गेट a माइनस sin t प्लस 1 / u. ठीक है, अब इसमें फिर चेंज हो लगेगा तो d / dv b स्क्वायर dv / dt. ठीक है, फिर लेगा आपका a माइनस sin t माइनस साइन टी और प्लस बी बाई यू इंटू डी बाई डी के ऑफ यू, यू के बी की वैल्यू है टेन टेन ऑफ डी बाई टू. ठीक है, तो जगह ए माइनस साइन टी फिर प्लस बी बाई यू टेन टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 / 2 एक स्क्वायर टी बाई टू. ठीक है, ये हो जाएगा. अब उसके बाद इसमें यू की वैल्यू ऑफ कर दीजिए, अब फिर जाकर रहेगा फिर देखो माइनस 90
ये आपका हो गया डी बाई डी टी आ गया है। अब चलिए डी बाई डी टी निकालिए, तो डी बाई डी टी कितना होगा बताओ, वाई डी वाई वाई डी टी इसको टू डी बाई डी टी आपको आ डी बाई डी टी वाई बन कर दीजिए, वाई बन गया ए साइन टी ठीक है। चलिए काफी कर लीजिए।